सकता नहीं। जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। फिरोजाबाद के विधानसभा सिरसागंज में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव ने मंगलवार को सुबह सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव के समर्थन में सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव के साथ घर घर घूमकर जनसंपर्क कर वोट मांगे, साथ ही विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। सपा प्रत्याशी बोले, अन्य विधानसभा के मुकाबले सिरसागंज विधानसभा का समुचित विकास नहीं हुआ। विधानसभा 2022 के चुनावी महासमर के बीच सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। इसी क्रम में मंगलवार सुबह पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव तथा सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव ने नगर में घर घर घूमकर सिरसागंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव के समर्थन में जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान सपा पूर्व सांसद अक्षय यादव का साफा बांध कर स्वागत भी किया गया। निर्माण के लिए प्रत्यक्ष की क्या जरूरत है? अगर गौशाला की होती तो हमारे किसान भाई जो है रात को ड्यूटी क्यों दे रहे होते? ये देख रहे हो खेतों पर तार और वो लगा है, जो कांटे लगे हुए हैं, सारी गाड़ी खुरच रही है। अगर गौशाला की सुचारू रूप से व्यवस्था होती, उसे फंड दिया जाता तो फिर किसान घर पे लेटता। अभी हमारी प्राथमिकता पहले भी रही है और भी रहेगी। प्राथमिकता रहेगी कि एक तो ये अराव से लेकर रोड कितना देखा है आपने, आप निकल के आए हो, कितना बुरा हाल है रोड का। चार पर ये गाड़ी नहीं निकल पाती, मोटरसाइकिल 20 बार निकल जाए तो 100 खत्म हो जाएंगे, ये हाल है। ये विकास बता चीज को विकास बता रहे हैं कि हमने विकास किया है। आप सत्ता में आते हैं तो विकास के कार्य कराएंगे। जैसे ये रोड है, कई नगरे मजरा हमारे रह गए हैं विद्युतीकरण के लिए, उनको कराएंगे और तमाम हमारी जो पार्टी की योजना है उनको लागू कराएंगे। लैपटॉप दोबारा से वितरण होंगे, हमारी 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, ट्यूबवेल की बिजली फ्री होगी, गौवंश की सुचारू रूप से हम लोग व्यवस्था करेंगे जिससे किसान की फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। खाद की व्यवस्था, इस साल लाइन लगा के किसान पर लाठी पड़ी, पैसे से खाद नहीं मिली ये, और पेंशन की हम 500 रुपए से 1500 रुपए देने जा रहे हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं कराएंगे। प्राथमिकता है 500 रुपए से हम 1500 रुपए पेंशन देने जा रहे हैं। प्राथमिकता है गोवंश की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तमाम से देने जा रहे हैं, कन्या विद्याधन देने जा रहे हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।